ए लड़की, तुम्हें क्या चाहिए इधर? कुछ नहीं, वो अप्पू दीदी का खाना रेडी हो गया, आप चलिए अप्पू दीदी। हाँ ले जाओ इसे, अप्पू आउट। अप्पू नॉट आउट, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक अनी प्रॉमिस नहीं करेगा कि वो झलक के लिए भी कपड़े लाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। अप्पू, आप इतना चिल्लाते क्यों? मैं तो सामने खड़ी हूँ आपके। और अनी सबको खरीद के देगा, जनक को नहीं देगा तो जनक को बुरा नहीं लगेगा क्या? ये लड़की फिर से तमाशा करेगी, प्लीज इसे ले जाओ यहाँ से। अपो, जनक इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। वैसे भी पूजा में सब फैमिली के लोग बैठने वाले हैं, सारे सर्वेंट्स के लिए नए कपड़े लाना इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें तुम्हारे नए कपड़े मिल जाएंगे ना अपो, अब प्लीज जाकर खाना खा लो, बाकी सब हम देख लेंगे। अपो दीदी, अगर आप अभी मेरे साथ नहीं चलें तो मैं चली जाऊंगी। अरे अरे, ये तो मुझे चला रही है, तुमको मेरी बात सुननी है, तुम क्यों मेरे को बोल रही हो? मैं चली जाऊंगी। हाँ, और देखना, मेरा अनी ना सबसे प्यारा है और अच्छा है, वो तुम्हारे लिए भी कपड़े लाएगा, वो किसी को सैड नहीं देख सकता। अब चलो, क्या बना रही थी तुमने बोला, चलो चलो मेरे को खिलाओ। माँ जनक अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहा हूँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उस लड़की को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। डू यू इवन रियलाइज दैट? अनी, वो लड़की हमारे घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रह सकती है, और एक नौकरानी अपनी जिंदगी में कितना ही आगे चली जाएगी। माँ, फर्स्ट ऑफ ऑल झनक नौकरानी नहीं है, वो यहाँ सबकी मदद कर रही है। पर ओके, अगर उसकी पोजीशन यही है, मतलब एक मेड की, तो उसकी सैलरी होनी चाहिए ना, और वो सैलरी से वो खुद को सपोर्ट कर सकती है। और मुझे नहीं लगता कोई भी नौकरी 24 घंटे चलती है, उसके बाद वो अपने इंटरेस्ट पर फोकस कर सकती है, उसकी एजुकेशन, उसके स्किल्स, उसकी हॉबीज। और एक बार उसकी डिग्री पूरी हो जाए, देन जॉब मिलना मुश्किल नहीं है। अनी, हवा में महल बनाना बहुत ईजी है, और इस वक्त तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो। आगे तुम्हारी मर्जी है।